बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 22 के साथ एक दफ़ा फिर मैं हाजिर हूँ। तो आज हम पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो इसको कंटिन्यू रखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स को तो सहेगा, आप पिछले दफ़ा हमने किया था एरिया बिटवीन टू कर्व्स, अब हम करेंगे द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स बाई यूजिंग डिफरेंट मैथड्स। तो सबसे पहला मेथड हम करेंगे वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग, जैसे आप स्लाइसिंग की बात करते हैं तो आपको, जैसे आप एग्जांपल ले लें, एक डबल रोटी की जो है ना, एक पूरी वो फुल एक सॉलिड है, आप उसको स्लाइस करते हैं, आप छोटे पीस में काटते हैं, और फिर अगर आप एक स्लाइस का वॉल्यूम फाइंड कर लें और उनको सम कर लें तो पूरी डबल रोटी का वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। तो एग्जैक्टली आप ऐसे ही मेथड जो है यूज़ करेंगे किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। और बेसिकली देखा जाए तो कंसेप्ट कौन सा नज़र आ सारा, तो रीमान सम वाला कंसेप्ट ही नज़र आ रहा है, उस तरह का ऐड करना। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, तो हम डिफाइन करते हैं एक प्रॉब्लम। लेट एस बी ए सॉलिड दैट एक्सटेंड्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड इज बाउंडेड ऑन द लेफ्ट एंड राइट रेस्पेक्टिवली बाय द प्लेन्स दैट आर परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। फाइंड द वॉल्यूम वी ऑफ द सॉलिड अज्यूमिंग दैट इट्स क्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ एक्स इज नॉन एट ईच एक्स इन द इंटरवल ए बी। फिगर्स में देखें आप तो आपको नज़र आएगा फिगर्स में, अब ये सॉलिड है ब्राउन कलर में, आपने इसको स्लाइसिंग किया और ये एक ग्रीन से कलर ब्लू कलर में नज़र आ रहा है स्लाइस, दैट इज़ ए क्रॉस सेक्शनल व्यू आप नज़र आ रहा है इसे, और जो लेफ्ट साइड के ऊपर है परपेंडिकुलर लाइन बाउंडेड बाई द परपेंडिकुलर प्लेन एक्स इक्वल टू ए, लेफ्ट साइड के ऊपर एक्स इक्वल टू ए और राइट के ऊपर एक्स इक्वल टू बी प्लेन दैट इज बाउंडेड बाउंडेड बाई दिस सॉलिड इज बाउंडेड बाई दिस प्लेन। अब आप देखें जी, हम इसका अपने इसको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी स्लाइसिंग करेंगे इनको जस्ट डबल रोटी की तरह के पीसेस बनाएंगे, ठीक है, काटेंगे छोटे छोटे पीस करेंगे, फिर एक पीस का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उसको सम कर लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉलिड आ जाएगा। देखिए फिगर में देखें, हमने उसी सॉलिड को स्लाइस किया हुआ है, हर स्लाइस का जो हमने से उसको टोटल सॉलिड को हम एस कह रहे हैं और हर सॉलिड को जो सॉलिड है इसको एस वन एस टू सो वन एस एन कर दिया। तो हमने असल में जो क्या किया, इंटरवल ए बी को डिवाइड कर दिया एन सब इंटरवल्स में, और इन पॉइंट्स के ऊपर एक्स वन एक्स टू के ऊपर हमने ये जो सॉलिड था उसकी स्लाइसिंग कर दी। अब हम देखते हैं, हम कोई भी एक स्लाइस लेते हैं, हम लेते हैं जी कोई स्लाइस कहेंगे, इसको स्लैब कह दें, ये एक स्लैब है, ठीक है, तो इस स्लैब का हम केथ स्लैब ले लेंगे, लेट से देर इज ए केथ स्लैब। अब ये हमने केथ स्लैब है उसको हम कहते हैं, उसको एस के से डिनोट किया। अब ये देखें इसमें ये केथ स्लैब है, अब ये केथ स्लैब जो है इसका जो हाइट है, अब देखिए पहले इसका एरिया क्या होगा, हमने कह दिया एरिया इसका नाउन है ए एफ एक्स, ठीक है, तो हाइट को जब विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी एरिया को जब हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट गिव अस द वॉल्यूम ऑफ द दैट स्लैब। ये जो स्लैब है आप देखें इसकी जो है आपका एरिया, अगर ये देखें हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये तो रेक्टेंगुलर शेप अगर होगी तो आसान होता है, रेक्टेंगुलर शेप है तो आपकी लेंथ इनटू विड्थ होती है एरिया, और अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये जो स्लैब है इसका एरिया हम कहते हैं जी ए एफ एक्स के स्टार है, और इसकी जो विड्थ है ये विड्थ दैट रिप्रेजेंट एक्चुअली द हाइट ऑफ द स्लैब दैट इज डेल्टा एक्स के, डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ द केथ स्लैब ठीक आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं और फिर सारे इन सब को जो वॉल्यूम को सम करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉलिड आ जाएगा। सो लेट डेल्टा एक्स के be the width of width of
kth sub interval and a x k star be the cross sectional area of S, where x k star is a point in the kth subinterval अब ये जो स्लैब है वॉल्यूम ऑफ द केज स्लैब अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ केज स्लैब इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू ए एक्स के स्टेरिक इनटू डेल्टा एक्स के ये आ गया एक अगर सबको सम कर देंगे तो टोटल एडिंग ऑल दीज अप्रॉक्सीमेशन so we get the volume, the approximate volume of the solid summation k varies from 1 to n a x k steric into delta xk. अब अगर for a very large n, when n increases, यदि n increases का मतलब क्या है कि आप जो points है जो a b है उसको उसके अंदर जो points आपने लिए हैं वो आप increase कर रहे हैं जब आप वो increase कर रहे हैं तो आप इसका मतलब का जो width है delta xk that is reduces to zero. ठीक है when n increases then delta xk approaches to zero. So in the limiting form, the volume is equal to limit. So maximum of delta xk approaches to zero summation k varies from 1 to n ax steric delta xk and this is equal to actually integral a to b a of x dx. So this is a definite integral, the volume is in the form of definite integral. So hum is formula ko use karke hum volume find kar sakte hain. Ab similarly hum jo formula hai to hum volume formula define kar sakte hain for cross section perpendicular to the y axis. So similar similarly volume formula for cross sections perpendicular to the y-axis. देखिए इसके लिए हम जो प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे और फिर हम इसका फार्मूला जो होगा सो वी डिफाइन इन द सेम वे व्हाट वी डिफाइन बिफोर डिफाइन करेंगे लेट एस बी let S be a solid
bounded by two parallel planes perpendicular to y axis at y is equal to c and y is equal to d if for each y in the closed interval CD, the cross section the cross sectional area of S perpendicular to the y-axis is A of y, then the volume of the solid is V is equal to integral C to D A of y dy, provided A of y is integrable जी हाँ, हम जैसे हमने जो क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस था उसको डिराइव किया और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस वाले को हम डायरेक्टली लिख लिया, तो अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड कर सकते हैं अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया नो या आप फाइंड कर सकें तो नो वॉल्यूम बाई डिस्क परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। सो वी डिफाइन ए प्रॉब्लम देखिए, हम पहले प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं फिर हम उसको वॉल्यूम फाइंड करते हैं। लेट एफ बी कंटिन्यूस एंड नॉन नेगेटिव ऑन ए बी, लेट एफ बी कंटिन्यूस एंड नॉन नेगेटिव ऑन ए बी एंड लेट आर बी द रीजन बाउंडेड अबव बाय वाई इज कॉल्ड एफ एफ एक्स बिलो बाय द एक्स एक्सिस एंड ऑन द साइड्स बाय द लाइंस एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। लुक एट दिस फिगर, दिस वन आप देखें, ये आपके y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स कॉन्टीन्यूस है और नॉन नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि इस एक्सेस के ऊपर साइड पे आ रही है सारी कर्व, तो ये पॉजिटिव है ऑन द इंटरवल ए बी। अब इस कर्व के नीचे जो एरिया है दैट इज रीजन R, दैट दिस रीजन इज बाउंडेड बाई ओके फ्रॉम द साइड x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। Find the okay question is find the volume of the solid of revolution that is generated by revolving the region R about the x axis। अब solid of revolution एक बात नहीं आ गई है, solid of revolution क्या होगा, यानी किसी solid को लेके आप किसी axis के अबाउट घुमा दें, किसी line के अबाउट घुमा दें, rotate करवाएं, तो वो रोटेट करने से जो फिगर बनेगी जो पूरा उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। जैसे अगर इसमें देखें, ये जो फिगर है इसमें देखें, इस सामने ये पूरा एक सॉलिड है जो आपको ये ब्लू जो कलर में नज़र आए ग्रीनिश है, ब्लूश ग्रीनिश, ये इसमें इसको अगर आप रोटेट करें अबाउट एक्स एक्सिस तो आपके पास जो फिगर बनेगी जो बनेगा वो आपके ये राइट फिगर पर देखें, आपके पास फिगर इस तरह की बनेगी, यानी इसका फिर आपने इस पार्ट को रिवॉल्व किया और रिवॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फिगर बनती है जो ऑब्जेक्ट बनता है वो इस तरह का है। आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या होता है, देखिए हमने स्लाइसिंग करनी है, स्लाइसिंग पढ़ी है हमने, क्या हम उसको स्लाइस कर लेंगे और उस स्लाइस का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर हम उसको सम करेंगे या आप डेफिनेट इंटीग्रल बना दिए,
तो हम देखते हैं हम इसके ऊपर एक स्लाइसिंग की दरमियान से ये काटा, ये चूँकि सर्कल बनता है रोटेट करने के सर्कुलर बनेगी, तो ये जब काटेंगे तो ये एक सर्कल मिलेगा हमें ये वाला। तो आप सर्कल ये पॉइंट हमने इसके दरमियान जो इस सर्कल का ये मिड पॉइंट बनेगा एक्स हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनता है, ये बनता है रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये चूँकि किसके इक्वल है, ये चूँकि एफ ऑफ एक्स है ना वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स, तो ये सारी हाइट यहाँ से ऊपर हाइट जो होती है वाई होती है, तो वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स, तो ये पॉइंट एक्स है तो ये आपका एफ ऑफ एक्स। ये जो सर्कुलर ये पार्ट बनेगा क्रॉस-सेक्शनल पार्ट जो है जो हमें देता है दैट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ सर्कल, और इसका आपने एरिया फाइंड कर लेना है। सर्कल का एरिया हमें पता होता है पाई आर स्क्वायर, आर क्या होता है रेडियस, तो इस सूरत में रेडियस क्या है एफ ऑफ एक्स है, तो पाई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। जब आपके पास एरिया आ जाएगा तो एरिया को आप इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, सो दैट विल गिव अस द वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट। सो हमने इसी को यूज़ करेंगे, अभी इसको लिख लेते हैं कैसे करेंगे जी। सो वी कैन सॉल्व बाय स्लाइसिंग, वी कैन सॉल्व बाय स्लाइसिंग। अब हमारा ये जो बनती है सर्कुलर ये डिस्क बन रही है ना, डिस्क, ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको डिस्क मेथड भी कहते हैं। सो अब देखिए रेडियस ऑफ, मैं इसका रेडियस क्या बनेगा, रेडियस ऑफ द दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड, ये हमने कहा एफ ऑफ एक्स है, सो आई राइट रेडियस, रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑफ द सॉलिड टेकन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट is f of x, so radius of the cross section at the point x is f of x, area of the region this cross sectional part, okay, area of the disk keh de, area of the disk kya hoga ya region keh de, pi एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वी इज इक्वल टू ए टू बी पाई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो आपने वही फार्मूला जो स्लाइसिंग में हमने की है, एरिया इंटू एरिया को डिफरेंट इंटीग्रेट कर दिया सब टू एक्स, और लिमिट जो होगी आपकी जो ए टू बी, तो दैट विल गिव अस द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। एग्जांपल लिखते हैं इसकी जी, एग्जांपल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड that is obtained when the region under the curve y is equal to under root x over the interval one four
is revolved about the x-axis. So solution is simple. हमें पता है कि y इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स क्या है. एफ ऑफ एक्स इज अंडर रूट एक्स, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4. सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वी नो दैट ए टू बी पाई एफ ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर डी एक्स. ये फार्मूला अप्लाई करना है, यू गेट द आंसर. सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ए इज 1, बी इज 4, पाई एफ ऑफ एक्स इज अंडर रूट एक्स कॉस स्क्वायर डी एक्स. दिस इज इक्वल टू 1 to 4 पाई एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लेंगे तो एक्स आ जाएगा एक्स डी एक्स. इंटीग्रेट कर दें तो पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 4. सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई तो बाहर ले लें 4 का स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 बाहर ले लें, 2 भी है नीचे, 4 का स्क्वायर माइनस 1 और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16. 16 माइनस 1 कितना हो गया 15. सो दिस विल बी 15 पाई बाई 2. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट इज रिवॉल्व अबाउट द एक्स एक्सिस. सिमिलरली हम वॉल्यूम जो है किसी ऑब्जेक्ट को जब रिवॉल्व करेंगे अबाउट वाई एक्सिस तो हम उसका वॉल्यूम भी इसी तरह लिख लेंगे. तो जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि आप देखेंगे फिगर में ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है पहली, इसको एक्स इक्वल यू ऑफ वाई दैट इज़ ए फंक्शन एंड एरिया बिटवीन दिस एंड द वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाई द और. अगर इस सॉलिड को आप रिवॉल्व करें अबाउट वाई एक्सिस तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा इस टाइप की बनेगी. हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और प्रोसेस वही है. आप ये इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू लेंगे, इसका काटेंगे, इसको एक दरम्यान से काटें तो आपके पास ये जो क्रॉस सेक्शनल पार्ट बनेगा दैट इज ए सर्कुलर फॉर्म. इसमें ये पॉइंट वाई लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा एफ ऑफ वाई यू ऑफ वाई, ये यू ले लिया हमने इसको यू ऑफ वाई, तो ये बनाएगा इसका रेडियस तो ये बनेगा पाई यू ऑफ वाई होल स्केयर डी वाई और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सी से डी बन जाएंगे. तो इन दिस केस द सिमिलरली Similarly, the formula for volumes by disks perpendicular to the y-axis v is equal to integral c to d pi u of y square dy. So this will be the formula which you can choose to find the volume when the object solid is revolved about the y-axis. And know the volumes by washers perpendicular to the x-axis. अब washers क्या होते हैं, इससे पहले चलिए हम problem define करते हैं कि हम problem define करके फिर हम उसको solve करते हैं और फिर आप बताएंगे कि washers क्या होते हैं. ठीक है, so we define like in this way, let F and G be continuous. And non-negative on AB, and suppose that AB
सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल ए बी लेट आर बी द रीजन the region that is bounded above bounded above by y is equal to f of x below by y is equal to g of x and on the sides sides by the lines x is equal to a and x is equal to b find the volume v of the solid of revolution that is generated by revolving the region or about the x axis. हाँ जी, अब हमारे पास देखिए, हमें अब डिफाइन किया कि हमने दो फंक्शंस हैं, दो कर्व्स हैं, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स. अगर आप देखें इसमें, अभी हमारे पास फंक्शन हमने डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स दैट इज कॉन्टिन्यूस ओवर द इंटरवल ए बी एंड नॉन नेगेटिव, जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ओवर द इंटरवल ए बी एंड इज नॉन नेगेटिव, और दीज आर द बाउंडेड बाई द टू प्लेन्स एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी. सो दिस इज द रीजन बाउंडेड बाई टू कर्व्स एंड द टू साइड लाइन्स. सो वेन दिस सॉलिड इज रिवॉल्व्ड देन इट विल बाई रेवोल्यूशन इट विल मेक सम सॉलिड, और इस सॉलिड का ये जो पार्ट होगा सॉलिड के इन साइड ये खाली होगा. ठीक है, जब इसको रिवॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉलिड बनेगा, उस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है. आप इस फिगर में देखें, उस सॉलिड को रिवॉल्व किया, इसको रिवॉल्व किया, तो हमारे पास फिगर ये बनेगी. और ये जो बन रहा है ना, ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये अंदर से ये खाली होगा. ठीक है, ये जो आपको फिर हमने उसी, ये सारी याद रखिएगा कि ये जो लाइन लगी हुई है यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक, ये जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज़ ए हॉलो. ओके, देर इज नथिंग, नो वन, देर इज़ नथिंग इन साइड. तो ये ब्लैंक है, बिल्कुल खाली है, और इसलिए से कहते हैं ये वॉशर कहते हैं. ठीक है, और ये सॉलिड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला ये सॉलिड है, और ये वाला जो ये इधर से ये वाला से ये सारा सॉलिड है. अब हम इसी तरह इसकी स्लाइसिंग करेंगे, मैथड वही कर रहे हैं स्लाइसिंग का. स्लाइसिंग किया तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन जो एरिया बन रहा है ये बन रहा है. तो ये जो क्रॉस सेक्शन बन रहा है इसका वाशर का, दैट इज़ ऑफ सर्कुलर टाइप, सर्कुलर टाइप है. इसका हमने देखना है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है सर्कुलर का. अब ये याद रखिएगा, सर्कल के अंदर ये जो पार्ट है इसके अंदर ये दैट इज़ ए ब्लैंक, ये सॉलिड नहीं है. ठीक है, सॉलिड पार्ट जो है ये जो कलर्ड पार्ट है दैट इज़ ए सॉलिड, जो वाइट पार्ट ये दिया हुआ ये वाला इसके अंदर वो सॉलिड नहीं है.
तो हम देखें चूँकि ये जो लाइन है ये किस फंक्शन की थी, जी एफ एक्स की। अगर ये पॉइंट सेंटर पॉइंट बनता है तो ये भी चूँकि एक सर्कल बन रहा है, ये वाला ये स्मॉल सर्कल बन रहा है, इसका रेडियस क्या बनेगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, और ये क्या बनता है, ये जी एफ एक्स बनता है। और जो एफ एफ एक्स है वो क्या बनता है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक एफ एफ एक्स। तो ये देखें ये सारे ये क्या बनेगा, ये रेडियस बनेगा बिगर सर्कल जो बन रहा है ये वाला इसका। तो अगर आपने रेडियस इसका एरिया फाइंड करना है तो आप टोटल डिस्क का एरिया फाइंड करेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस इस स्मॉल डिस्क जो बन रही है इसका एरिया फाइंड करके इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला एरिया। तो इनफैक्ट क्या हो गया कि आप पाई इंटू एफ एफ एक्स स्क्वायर माइनस जी एफ एक्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आपका एरिया बन जाएगा और फिर आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द इंटरवल ए बी, आपको टोटल वॉल्यूम बन जाएगा। सो वी राइट इन दिस वे, सो वी कैन सॉल्व बाय स्लाइसिंग सो एरिया ए। सो फर्स्ट फाइंड द एरिया ए ऑफ द वॉशर शेप्ड रीजन, सो ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू सो पाई ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पाई इंटू जी एफ एक्स स्क्वायर। पाई कॉमन ले लें सो वी आर लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जी एफ एक्स का स्क्वायर दे। सो दिस इज द एरिया ऑफ द वॉशर शेप, ये जो आपको वॉशर शेप नजर आ रहा है ये वाला, इसका एरिया, ठीक है, इसका एरिया आ गया। अब जब इसको इंटीग्रेट करते हैं एरिया को ओवर द इंटरवल ए बी तो यू विल गेट द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन v इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी पाई एफ एफ एक्स का स्क्वायर माइनस जी एफ एक्स का स्क्वायर एंड डी एक्स। सो दिस इज द फार्मूला, सो इट्स वेरी सिंपल, क्वेश्चन आर नॉट डिफिकल्ट। देखिए आप फार्मूला याद रखेंगे क्वेश्चन बहुत आसान है सॉल्व करना, लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये बंद कैसे रहे। तो ये आपको जो भी बताई जा रही है बातें फिगर से, ये आपको कंसेप्ट बताया जाए कि ये आप कैसे अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करना इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि फिजिकली ये किस तरह बन रही हैं चीज़ें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना, आपने फिजिकली देखना होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स को ऐसे नहीं देखना कि आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो काम ख़त्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करना काम ख़त्म नहीं है। जब आप मैथमेटिक्स को फिजिकल देखेंगे आप अप्लाई करना सीखेंगे फिर तब आपको एप्लीकेशन आएगी। सो लेट्स डू सम एग्जांपल ऑफ दिस फार्मूला। सो लेट्स सी एग्जांपल, फाइंड द वॉल्यूम of the solid generated when the region between the graphs of the equation f of x equal to 1 by 2
प्लस वन बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर एंड जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स ओवर द इंटरवल इंटरवल 0 to 2 इज रिवॉल्व्ड अबाउट द एक्स एक्सिस। अब आप देखें एफ एफ एक्स आपको गिवन है, जी एफ एक्स भी नोन है, इंटरवल भी नोन है, सो आपने फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है। आपने इसमें आपको ए और बी भी पता है क्या होते हैं, ठीक है, इंटरवल में ए 0 है और बी 2 हो गया। सो वॉल्यूम फार्मूला वी इज इक्वल टू ए टू बी पाई एफ एफ एक्स का स्क्वायर माइनस जी एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स। आप वैल्यूज पुट कर दें, ए किसके इक्वल है, ए 0 है और बी 2 है, सो पाई रखें एफ एफ एक्स इसके इक्वल है, एफ एफ एक्स है 1 बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स के जी एक्स क्या है एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। पहले इसके स्क्वायर ओपन कर दें, पाई जो कांस्टेंट है इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और अब इसका इसका स्केयर ओपन कर दें, 1/2 का स्केयर क्या होगा 1/4 प्लस 2ab होता है, तो प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स स्केयर क्या बन जाएगा, एक्स स्केयर सिंपल आ जाएगा प्लस बी स्केयर एक्स की पावर 4 हो जाएगी और माइनस ये एक्स स्केयर इंटू डी एक्स, एक्स स्केयर और प्लस एक्स स्केयर कट जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा पाई इंटू 0 to 2 1/4 प्लस एक्स 4 इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दें, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई 1/4x प्लस एक्स 5/5 इंटीग्रेशन कर दी और लिमिट 0 to 2 वी इज इक्वल टू पाई और 1/4 इंटू 2 प्लस 2 की पावर 5/5 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू पाई इंटू ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2 की पावर 5 कितना होता है 32/5 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 69π/10 दैट इज़ योर आंसर। सिमिलरली हम फार्मूला जो है वाशर का फार्मूला व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्व अबाउट द वाई एक्सिस के, ठीक है, उसका लिख सकते हैं। सिमिलरली द फार्मूला फॉर वॉल्यूम्स by washers perpendicular to the y-axis। देखिए हम ग्राफिकली हम देखें तो हम फार्मूला लिखने से पहले कि ये किस तरह की फॉर्म बनेगी, ऑब्जेक्ट किस तरह आपको होगा। अब देखिए हम लेते हैं एक्स एक्सिस को और इधर वाई एक्सिस, तो हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जहाँ ये एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ वाई, दूसरा ऑब्जेक्ट हम एक्स इज इक्वल टू वी वाई और ये जो लाइन है आपको ये दैट इज सी और दिस इज हम कहते हैं इसको कहते हैं हम ये जो है इसको डी कह दें, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जब ये रिवॉल्व करेगा ये वाला अबाउट वाई एक्सिस के, तो इसके अबाउट रिवॉल्व होगा, तो अब
ये इसके एक्सिस के ऊपर ऐसे रिवॉल्व होगा तो फिर क्या होगा, ये एक सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन से एक नया ऑब्जेक्ट जनरेट होगा, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे फंक्शन चेंज होंगे, एक्स ऑफ डब्ल्यू वाई है और यहाँ पे एक्स ऑफ वी वाई है, और डब्ल्यू वाई जो होगा दैट विज कंडीशन वही है, डब्ल्यू वाई विल बी ग्रेटर इक्वल टू वी ऑफ वाई फॉर सी लेस इक्वल टू वाई लेस इक्वल टू डी। डब्ल्यू वाई इज कॉन्टिन्यूस ऑन सी डी ऑन द इंटरवल सी डी और वी ऑफ वाई इज कॉन्टिन्यूस ऑन द इंटरवल सी डी, ऑल दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ओके, वही हमने सपोज करनी है। तो देन वॉल्यूम इज विल बी इक्वल टू, सो वॉल्यूम इन दिस केस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम सी टू डी पाई इंटू डब्ल्यू ऑफ वाई स्केयर माइनस वी ऑफ वाई स्केयर डी वाई। तो ये था इसका फार्मूला वॉल्यूम का, जब जो आप ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करेंगे अबाउट वाई एक्सिस के। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, फाइंड द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सॉलिड generated when the region enclosed by y is equal to under root x, y is equal to 2 and x is equal to 0 is revolved about the y-axis. ठीक है, अब आप देखें अभी जो है ना सॉलिड को जनरेट सॉलिड को ही मूव किया गया, यहाँ वॉशर्स की बात नहीं की गई। ठीक है, तो जब वॉशर्स के लिए बात करेगा वो डायरेक्ट हम पूछेंगे आप बाई यूजिंग द वॉशर्स फार्मूला आप करेंगे, तो आप पहले इसकी फिगर ड्रा कर लें तो बन किस तरह की रही है, फिर हम देखते हैं कि ये इस पर फार्मूला किस तरह अप्लाई होगा। फिगर्स में देखते हैं जी, हम वाई इक्वल अंडर रूट एक्स है, सो वाई इक्वल अंडर रूट एक्स का फार्मूला इसका ग्राफ बनेगा वाई इक्वल अंडर रूट एक्स लाइक दिस। ओके, दिस इज वाई इक्वल अंडर रूट एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू, ये जो बनेगा यहां से ये वाई इक्वल टू टू है और एक्स इक्वल टू जीरो, यहां पे जीरो एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू, ये जो लाइन है ये आपका एरिया जो है। ठीक है, आपने इसको रिवॉल्व करना है, असल में इसको रिवॉल्व करना है किसके अबाउट, अबाउट y एक्सिस, आपने इसको इसके अबाउट रिवॉल्व करना है। ठीक है, ये y एक्सिस के अबाउट, तो ये जो पार्ट है ये सारा ये बनेगा आपका, इसको रिवॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फिगर ऑब्जेक्ट क्या बनेगा वो देखना है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमने वाई इसको अंडर रूट एक्स है, ये अंडर रूट एक्स है, वाई इसको अंडर रूट एक्स प्लीज, वाई इसको अंडर रूट एक्स है। अब देखिए एक्स क्या होगा, फिर वाई इसको अंडर रूट एक्स और देन एक्स विल बी इक्वल टू वाई स्क्वेयर। अब चूंकि वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो हमें पास ये हमारे पास आ जाएगा, आप इसको कह सकते हैं डब्ल्यू एफ वाई कह सकते हैं, जी एफ वाई कह सकते हैं, कोई भी नाम देते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाई स्क्वेयर, तो हमें जो फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया, चूंकि ये सारे के सारा अब लिमिट्स क्या होंगी, ये सी ज़ीरो हो गया और डी टू हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल जो सॉलिड है पहले हमने किया था बाई वॉल्यूम बाई डिस्क, वो फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसमें वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ज़ीरो टू, तो ये आप समझें ये आपका यू ऑफ वाई था। ठीक है जी, वाली यू इट विल बी इक्वल टू सी
टू डी पाई इंटू यू ऑफ वाई स्केयर डी वाई, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। आप इसको, अब इसमें सी और डी पता है हमें क्या है, सी क्या है यहाँ पे, सी इज इक्वल टू ज़ीरो है और डी इज इक्वल टू टू है। फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू ज़ीरो टू टू पाई और यू ऑफ वाई किसके इक्वल है, वाई स्केयर होल स्केयर इंटू डी वाई, दिस इक्वल ज़ीरो टू टू पाई वाई फोर डी वाई। इंटीग्रेट कर दें इसको तो आपके पास आ जाएगा वाई की पावर फाइव ओवर फाइव इंटीग्रेशन ज़ीरो से टू। तो आप वाई की जगह वाई बाई फाइव इंटू वाई की जगह पुट करेंगे टू की पावर फाइव और माइनस ज़ीरो, तो टू पावर फाइव कितना होता है, थर्टी टू, थर्टी टू पाई बाई फाइव, ये आपका वॉल्यूम आ गया। ओके, सम एग्जांपल्स, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सॉलिड दैट रिजल्ट्स व्हेन द शेडेड रीजन शेडेड रीजन इज रिवॉल्व्ड अबाउट द इंडिकेटेड एक्सिस ओके जी। नंबर वन देखते हैं जी, नंबर वन हमारे पास फिगर है, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ग्राफ है वाई इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स अंडर रूट, यहाँ पे एक्स इक्वल टू थ्री है और यहाँ पे इस पार्ट को एक्स इक्वल टू माइनस वन, इस पार्ट को जो मैं शेड कर रहा हूँ इसको रिवॉल्व किया है, रिवॉल्व करने अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है जी। वाई एफ ना इसको अबाउट एक्स एक्सिस करने है। अब आप देखिए इसमें आपके पास जो फार्मूला, आपको पहले लिमिट्स देख लेंगे क्या होगी, यहाँ ए किसके इक्वल है, ए माइनस वन है, बी थ्री है, और फार्मूला जो होगा चूँकि ये डिस्क फार्मूला अप्लाई होगा, चूँकि ये सॉलिड है कोई वाशर नहीं है, इसलिए हम जब इसकी स्लाइसिंग करेंगे तो ये डिस्क बनेगी, यहाँ पर स्लाइसिंग करेंगे डिस्क बनेगी और डिस्क का रेडियस क्या होगा, वो थ्री माइनस एक्स ही होगा, ठीक है ये वाला। तो फार्मूला जो होगा वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो नो माइनस वन टू थ्री पाई और ये एफ एफ एक्स ये है वाई एफ स्केयर, सो एफ एफ एक्स स्केयर डी एक्स, तो एफ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे थ्री माइनस एक्स अंडर रूट में, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस वन टू थ्री पाई इंटू थ्री माइनस एक्स अंडर रूट स्केयर डी एक्स, सो इज इक्वल टू माइनस वन टू थ्री पाई थ्री माइनस एक्स डी एक्स, स्केयर रूट काट जाएगा स्केयर से, आप इसको इंटीग्रेट कर दें, पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये थ्री एक्स आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर बाई टू हो जाएगा, लिमिट माइनस वन टू थ्री, लिमिट्स पुट कर दें, अपर लिमिट पहले पुट करनी है पाई इंटू थ्री इंटू अपर लिमिट क्या है थ्री है माइनस थ्री स्केयर बाई टू क्लोज माइनस लगाना है, अब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट माइनस वन है, थ्री इंटू माइनस वन माइनस माइनस वन स्केयर बाई टू ब्रैकेट क्लोज पाई, थ्री थ्री जर नाइन हो जाएंगे,
माइनस 9 ओवर 2। अब ये माइनस जो है 3 माइनस 1 माइनस 3 होगा, तो ये माइनस मल्टीप्लाई के प्लस 3 हो जाएगा। तो ये माइनस 1 का स्केयर प्लस 1 होगा, 1 ओवर 2 ये माइनस है 1 ओवर 2 और ये माइनस प्लस कर देगा प्लस 1/2। इसको आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई में आपके पास आ जाएगा 8π। सो वॉल्यूम ऑफ द दिस शेडेड पार्ट व्हेन इट्स जे व्हेन इट्स रिवॉल्व अबाउट एक्सिस इज 8π। सेकंड को देखते हैं जी, सेकंड फिगर ड्रा करते हैं। फिगर इज लाइक दिस। ओके, एक लाइन जो y इज इक्वल टू x, दिस इज y इज इक्वल टू x है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और दूसरी जो पार्ट है हमारे पास फिगर का, सो दैट इज दिस वन। सो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका दूसरी पार्ट। अब पार्ट जो हमने ये जो है यहाँ पर है, दिस इज 2 और दिस पार्ट इज एक्चुअली दिस इज 1। ये पार्ट शेडेड है, इसको शेड करना है, इसको रिवॉल्व करना है और रिवॉल्व अबाउट करना है। अभी देखते हैं, पहले इसको शेड कर लें ताकि हमें पता चले कि हमने इस पार्ट को शेड करना है और रिवॉल्व इसको करना है अबाउट एक्स एक्सिस को। हाँ जी, इस पार्ट को रिवॉल्व करना है अबाउट एक्स एक्सिस। अब देखिए इसमें ये जो पार्ट है दैट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई वाई इक्वल टू माइन 2 माइनस एफ एफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्चुअली एफ एफ एक्स बन जाएगा। फिर ये जो कर्व है दैट इज लोअर कर्व, ये आपके बन जाएगा जी एफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एफ एफ एक्स क्या हुआ है, एफ एफ एक्स है आपके पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर, जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स और आपने रिवॉल्व करना है अबाउट अबाउट एक्स एक्सिस, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स एक्सिस के ऊपर, ये 0 है और 1, तो ये ए इज इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू 1। तो आपके पास फार्मूला जो वॉल्यूम का, वॉल्यूम फार्मूला बनेगा इंटीग्रल 0 टू 1 पाई एफ एफ एक्स स्क्वायर, एफ एफ एक्स क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस जी एफ एक्स स्क्वायर जी का स्क्वायर इंटू डी एक्स। हाँ जी, अब तो आसान हो गया काम, आप सिर्फ इसका स्केयर ओपन करेंगे, इंटीग्रेट करें और लिमिट्स पुट करनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो 0 टू 1 पाई को हम बाहर ले लेते हैं और इसका स्केयर ओपन करते हैं, 2 का स्केयर होगा 4 और माइनस 2ab 2 टू 4 एक्स स्केयर आ जाएगा प्लस एक्स की पावर 4 और ये माइनस एक्स स्केयर। तो आपके पास इंटीग्रल बनेगा पाई, बाहर ले लें 0 टू 1 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर और 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई को हमने बाहर लें और इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगी माइनस 4x आ जाएगा 4x माइनस 5x क्यूब और 3 एंड प्लस x 5 ओवर 5 लिमिट 0 टू 1। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, आप अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, इसमें x में 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 क्यूब बाई 3 प्लस 1 की पावर 5 और 5 और माइनस होगा एक्स का 0 पुट करेंगे तो सारी टर्म 0 हो जाएंगी। सो
वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई इंटू 4 माइनस 5 ओवर 3 प्लस 1 बाई 5। सो इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर जो बनेगा माइनस 5 बाई 3 प्लस 4 प्लस 1 बाई 5, इनको ऐड करेंगे तो आपको बन जाएगा 38 पाई बाई 15। सो दिस विल बी द आंसर द अल्टीमेट फाइनल। आप इसका एलसीएम लेके खुद देख सकते हैं कि यही बनेगा। अच्छा जी, अब आप क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन आपको भी देते हैं कि आप कैसे करते हैं इसको। हाँ जी, नंबर 3, एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस, और हमारे पास ये ग्राफ इज ए लाइन लाइक दिस। दिस इज ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, और इसको हमने रिवॉल्व करना है इस पॉइंट से। ये बाउंड किया हुआ है 2 और यहाँ पे 0, ये जो रीजन है अभी मैं इसको कर रहा हूँ, इसको रिवॉल्व करना है। ये आपका x एक्सिस हो गया और रिवॉल्व करना है अबाउट y एक्सिस, ठीक है जी। अब अबाउट y एक्सिस रिवॉल्व करना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये जो शेडेड पार्ट किया हुआ है इसको रिवॉल्व करना है अबाउट y एक्सिस। और आपको यहाँ से तो c और d तो जीरो पता चल गए, क्या हो गए, 0 और 2 हैं। फंक्शन गिवन है y इक्वल 3 माइनस 2x, क्या इसको ऐसे ही लिखेंगे या इसको चेंज करेंगे? हाँ जी, देखें इसको कैसे लिखना है। हाँ, इसको एक्स, ये जो y इन टर्म्स ऑफ x है उसको x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। x को इधर रखें एक तरफ और बाकी उधर ले जाएं, तो x को सॉल्व करें इन टर्म्स ऑफ y, तो आ जाएगा 1 बाई 2 y माइनस y प्लस 3, 1 बाई 2 माइनस y प्लस 3, ये आपका बन जाएगा जी फंक्शन। अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है, वॉल्यूम का फार्मूला। देखिए, आप इसको रिवॉल्व करेंगे, एक ही सॉलिड है, तो आपका ये जो है ये सबसे पहले वाला फार्मूला बाई स्लाइसिंग, वॉल्यूम बाई स्लाइसिंग होगा। और उसमें क्या, 0 से 2 लिमिट, और चूंकि x इन टर्म्स ऑफ y है तो 1 बाई 2 लिखेंगे, तो पाई इंटू यू ऑफ y स्क्वायर डी वाई, ये फार्मूला लग गया 0 टू 2, और पाई एज इट इज़ आ जाएगा। यू ऑफ वाई किसके इक्वल है, ये यू ऑफ वाई आपका, ये यू ऑफ वाई है, आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। सो 1 बाई 2 इंटू 3 माइनस वाई स्केयर डी वाई, इसको सॉल्व करना है और इंटीग्रेट करना है, बस स्केयर ओपन करें इंटीग्रेट करें, यू विल गेट द आंसर v इज इक्वल टू पाई को बाहर ले लें और इंटीग्रल 0 टू 2, तो 1 बाई 4 इसका स्केयर अंदर क्या आ जाएगा, अंदर 9 प्लस वाई स्केयर माइनस 6y डी वाई। सो ये 1 बाई 4 भी बाहर ले लें तो ये आ जाएगा पाई ओवर 4, और अंदर इंटीग्रेशन कर दें 9y, और वाई स्केयर की इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगी, और माइनस 6y स्केयर ओवर 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू 2, लिमिट्स पुट कर देंगे पाई बाई 4, पाई बाई 4 इंट, अब अपर लिमिट पुट करेंगे पहले 9 इंटू 2 प्लस 2 क्यूब बाई 3 माइनस 6 इंटू 2 स्केयर बाई 2, और माइनस 0 हो जाएगा, चूँकि वाई की जगह 0 रखेंगे तो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, इस तरह आसान हो गया काम। पाई बाई 4, 9 टू 18 प्लस 2 क्यूब कितना होता है 8 बाई 3 माइनस, इसको कैंसिल कर दें 3 से, 2 का स्केयर 4, 4 माइनस 4 इंटू 3 कितना आ गया 12 हो जाएगा। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो आ जाएगा पाई बाई 4
18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 ओवर 3 और ये आ जाएगा आपको एलसीएम लेंगे तो आपको आ जाएगा पाई बाई 4 इंटू 3 आ जाएगा 18 प्लस 8 और ये बन जाएगा 18 प्लस 8 कितने होते हैं 26 पाई बाई 12 कैंसिल कर देंगे तो ये 2 से कैंसिल हो गया 6 टू जार और 13 आ जाएगा 13 पाई बाई 6 सो दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द दिस प्रॉब्लम। सो आपने देखा कि हमने सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन पर हमने देखा कि हमने किस तरह किसी सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, मुख्तलिफ मेथड्स पढ़े, स्लाइसिंग पढ़ा और स्लाइसिंग के बाद डिस्क मेथड पढ़ा, फिर वॉशर मेथड पढ़ा, तो तीन तरह के मेथड्स हमने यहाँ पढ़ लिए हैं। तो हम तीनों को अप्लाई किया और फार्मूले से हमने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के जिसको रिवॉल्व किया किसी भी एक्सेस के अबाउट किया उसके हमने वॉल्यूम फाइंड किए। तो ये थी चंद एक और एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम जी इसको देखेंगे जो डेफिनेट इंटीग्रल की और एप्लीकेशंस भी कर रहे हैं अभी। तो अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है तो ये कंटिन्यू रहेगा और क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा कि आपको ऑब्जेक्ट को जब आप रिवॉल्व कर रहे हैं तो वह किस तरह की शेप बन रही है, तो आप एक्सेस की अबाउट कर रहे हैं या वाई एक्सेस की अबाउट कर रहे हैं, इन चीज़ों को विजुलाइज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट से बात करें, कंसेप्ट से सीखें और यही मैथमेटिक्स है जिसका फ़ायदा होगा। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर नए मेथड के साथ हाजिर होंगे, तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।